हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके, और आज की क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है टाना भगत आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज की क्लास में जनजातीय विद्रोह से संबंधित कुछ जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं टाना भगत आंदोलन से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो ये आंदोलन और बिरसा मुंडा आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है झारखंड के क्षेत्र में। तो इनसे संबंधित हर एक प्रश्न का आप लोगों को आंसर आना ही चाहिए। डिटेल का भी मैंने आप लोगों को बताया है झारखंड के इतिहास में। आप लोग प्लेलिस्ट अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सारे कोर्सेस हो रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न हुए हैं, तो वहाँ आप लोग इजीली अपने लिए प्रश्नोत्तर ढूंढ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं टाना भगत आंदोलन से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। टाना भगत आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? टाना शब्द का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना। टाना भगत किस में विश्वास करते थे या रखते थे? तो अहिंसा में। टाना भगत आंदोलन हिंसात्मक आंदोलन नहीं था, ये पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन था। टाना भगत आंदोलन को किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो बिरसा आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है टाना भगत आंदोलन को। जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो चिंगरी नवा टोली गुमला के। इनका निवास स्थान था गुमला में, चिंगरी नवा टोली गाँव में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जहां पर यह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था? तो गुमला, लोहरदगा और रांची के ज़िलों में, इन दो तीन जगहों में टाना भगत आंदोलन काफ़ी सक्रिय था। टाना भक्तों को महात्मा गांधी किस नाम से पुकारते थे? तो देखिए, टाना भगत जो थे वो महात्मा गांधी में पूरा आस्था पूरा विश्वास रखते थे और उनके अनुयायी बन गए थे, तो महात्मा गांधी भी इन्हें प्रिय अनुयायी कहकर ही संबोधित करते थे। तो चूंकि ये जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी से डायरेक्ट रिलेटेड हो जाता है, इस वजह से भी ये वाला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से समझेंगे। 1940 ईस्वी में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? तो रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगत काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और 400 रुपए की थैली भेंट की थी महात्मा गांधी को आंदोलन से संबंधित कार्यों में मदद के लिए। झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ 1845 ईस्वी में। झारखंड में प्रथम ईसाई मिशनरी आया तो कौन सा था? गॉसनर मिशन। गॉसनर मिशन पहला ईसाई मिशनरी जो था वो झारखंड के क्षेत्र में आया, और इसका टाइम क्या था, आने का समय इनका था काल 2 नवंबर 1845 ईस्वी में, और ये रांची में। तो देखिए, दो तीन प्रश्न हो गए। पहले तो ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ 1845 में, प्रथम ईसाई मिशनरी था गॉसनर मिशन, और ये 2 नवंबर 1845 ईस्वी को आया था झारखंड में, और ये झारखंड के रांची में सबसे पहले आया था। लूथरन चर्च का शिलान्यास हुआ था 18 नवंबर 1855 में। तो ये चर्च काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिरसा ने इसी चर्च में धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टाना भगत आंदोलन जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। तो जनजातीय आंदोलन था टाना भगत आंदोलन, और इसका लेकिन स्वरूप जो था वो धीरे धीरे ये पूरे राष्ट्र से संबंधित हो गया, राजनीतिक रूप में आ गया, तो ये पूरा राष्ट्रीय था इसका स्वरूप। टाना भगत आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन बन गया। देखिए, जब इस आंदोलन का आरंभ हुआ था तो इसका उद्देश्य धार्मिक था, धार्मिक रूप से उराव जनजाति में सुधार करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। टाना कोई व्यक्ति का नाम नहीं, धर्म का, ये आपका उराव जनजाति के लोग जो होते थे उन्हें ही कहा जाता था।
तो इनका जो धार्मिक जो जीवन था उसमें काफी जो है बुराइयां थी, जिसमें सुधार करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। लेकिन काफी लंबी अवधि तक ये आंदोलन चला और धीरे धीरे ये इसका स्वरूप राजनीतिक होता चला गया। ये बहुत सारे गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ गए टाना भगत, और गांधी जी के जितने भी आंदोलन होते थे अहिंसक होते थे, तो ये भी अहिंसक थे। इस वजह से ये ज़्यादा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर गांधी जी के आंदोलनों में सम्मिलित होते थे। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, टाना भगत आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। यह उराव जनजाति से संबंधित था। इस आंदोलन का उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना, और टाना भगत आंदोलन में किस जनजाति से संबंधित है, तो उराव जनजाति से। और इस आंदोलन में एक महिला थी जो काफी बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में कार्य किया, जिसने वो उसका नाम था देवमनिया। देवमनिया जो है इसका संबंध था टाना भगत आंदोलन से। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 में पारित हुआ। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 में पारित हुआ स्वतंत्रता के बाद। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन तो टाना भगत आंदोलन, ये काफी लंबे समय तक चलता रहा। जतरा भगत की मृत्यु हो जाने के बाद भी ये आंदोलन कंटिन्यू चलता ही रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रामगढ़ बटालियन के सूबेदार जयमंगल पांडे, नादिर अली, बड़कागढ़ के ठाकुर विश्वनाथ शाही और उनके दीवान पांडे गणपत राय, खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह और उनके दीवान शेख बिहारी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन सभी को किस विद्रोह के दौरान फांसी की सजा दी गई थी? तो 1857 के विद्रोह के दौरान। तो ये जो प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी लोग थे ये इनका काफ़ी योगदान रहा झारखंड में जितने जो आंदोलन होते थे उसमें। तो इन सबको 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ही इन्हें कैद किया गया था और इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो फिर आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी क्लास। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को जनजातीय विद्रोह और या फिर आंदोलन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करा दूंगी। मैं वन बाय वन हर विद्रोह के बारे में बता दूंगी कि जो ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि विद्रोह का समय क्या था, इसके विद्रोही नेता कौन थे और कौन से दमनकर्ता थे। ये तीन ही प्रश्न घूम फिर करके ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं। तो हर विद्रोह के बारे में मैं ये सब आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।